मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल नेटवर्क की आवश्यकता उन्हें बताई है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया को बताया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल नेटवर्क की आवश्यकता पर बात की गई। इस पर उन्होंने प्रदेश के सभी प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार की ओर से पूरा समर्थन मिलने की बात कही। आईटी क्षेत्र में विस्तार और निवेश के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के युवाओं को लाभ होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मंत्री जी ने इस क्षेत्र में भी केंद्र सरकार से समर्थन का आश्वासन दिया है। सीपीए प्रोजेक्ट के संबंध में मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की गई और इस प्रोजेक्ट के लिए धनराशि की उपलब्धता पर सहमति प्राप्त की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत में उत्तर प्रदेश से लगते क्षेत्रों में डिफेंस इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर के विकास की संभावनाओं पर चर्चा हुई, जो मुरैना और दतिया जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगा। थल सेना अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई, जिसमें प्रदेश की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इन सभी मुलाकातों में केंद्रीय मंत्रीगणों ने प्रदेश की योजनाओं की सराहना की और सभी परियोजनाओं में मदद का आश्वासन दिया। मैं आज दिल्ली में यशस्वी रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी से मिला और हमने कहा कि हमारे यहाँ कई सारी अंदर की खदानें हैं जहाँ भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल लाइन की जरूरत पड़ेगी और खास करके खनिज और उर्वरक की ढुलाई के लिए बीच में रेलवे की साइटिंग को स्वीकृति देने का कष्ट करें। उनने सहमति दिलाई और कहा कि इसके अलावा भी अगर अच्छे रेल नेटवर्क को बनाने के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव भी लेकर आओगे तो हम मध्य प्रदेश को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देश के मध्य में होने के कारण से स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में संभावना भी है जो देश की भलाई के लिए भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इन प्रकार के कामों को लगातार प्रोत्साहन देते हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है, उनसे आईटी के मिनिस्टर होने के नाते से आईटी में हम लोग लगातार इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हर जगह रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इस आईटी से बड़ा आईटी एक भविष्य का बड़ा उद्योग है और ख़ास करके युवाओं की दृष्टि से इसका बड़ा लाभ मिलेगा। माननीय वैष्णव जी ने कहा कि मैं उसमें पूरी मदद करूँगा और अगली बार मध्य प्रदेश आकर भी सीधे सीधे मुलाकात करूँगा। एक सीपीए हमारा राजधानी परियोजना के प्रोजेक्ट पे भोपाल के बारे में हमने माननीय मनोहर लाल जी खट्टर मंत्री भारत सरकार से मुलाकात की, उनसे निवेदन किया कि वो हमारे राजधानी परियोजना के उस प्रोजेक्ट के लिए धनराशि का आवंटन करें भोपाल के लिए। भोपाल बहुत सुंदर राजधानी के रूप में है लेकिन बीच के काल के प्रवाह में सीपीए को स्टेट गवर्नमेंट ने रोका था, उसको पुनर्जीवित करते हुए हमारा विचार है कि हमारी वहाँ के विकास की गतिविधियों में सीपीए कारगर इकाई के नाते से काम करेगा और उनने सहमति दी। मुझे इस बात का संतोष है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से बात की है और उनके माध्यम से हमने कहा कि भविष्य की दृष्टि से ये जो डिफेंस का इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर बन रहा है यूपी से लग कर के ये मुरैना दतिया इत्यादि क्षेत्र में बड़ी संभावना रखता है। और मैं बीच में बेंगलोर गया था तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी भविष्य में मध्य प्रदेश में निवेश करे, ऐसा मैंने उनसे आग्रह किया। मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करूँगा और मध्य प्रदेश बड़ी संभावना वाला प्रदेश है, इसलिए अलग अलग प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ डिफेंस में भी मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका आए या वो अपना रोल अदा करे। और मुझे संतोष है इस बात का कि उन्होंने इस बात पर सह स्वीकृति दी। दिन में आज हमारे मूलतः मध्य प्रदेश के थल सेना अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करके आया हूँ और मुझे संतोष है इस बात का कि थल सेना अध्यक्ष जी ने अपनी भेंट सौजन्य भेंट में मध्य प्रदेश से उनका रिश्ता आत्मीयता का रिश्ता है और हम सब अपने ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने प्रदेश की बेहतरी के लिए देश में उनकी अच्छी ड्यूटी के लिए एक सौजन्य कट सी मुलाकात करके हमसे आए हैं। भोपाल के लिए अगर हम कल से आज तक के दौरे की बात करें तो भोपाल से हम जब चले थे कल से आज तक 8 अलग अलग मंत्रालय के माननीय मंत्रीगणों से हमने मुलाकात की है और ये विकास परक व्यवस्थाओं में लगातार इसी प्रकार से रास्ते निकलते हैं। कई विभागों ने हमारी लंबित परियोजनाओं को लेकर बात करी, नदी जोड़ों से लेकर आईटी तक, रेलवे से लगा करके हमारे स्थानीय प्रशासन शहरी विकास मंत्री तक, सब लोगों ने अपने अपने प्रकार से
मध्य प्रदेश के काम को सराहा भी है और हमारी सभी लंबित योजनाओं में मदद करने की बात। राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।